वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्त बिंदवन मनोहर वाचाकुगश्च कृपा सिंधुवच पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मोक्षं करोति वाचा पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधव बिंदावी तुलसी वै पिया वै केशव कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च पदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगो ब्रह्म धेयं सदा परिभवनमभीष्टदुः तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनतं शरण्यं वीतात्यहं प्रणतपाण्डुभवद्विभूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंद यत्पाद पल्लवन खचंदमणि छटाय विस्फुरजित किमपि कपोलदोषादर्श पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाभुदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकाभुदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नराणां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं
नारायणो प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपति भज विहीशनाथम बागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्व च भक्षसी यस्यास्ते हृदय संभी त्वं निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवैकतोच्युत विकर्षति मा वितिप्ता शिष्णो अन्नतःस्तक उदरं सवनं कुतश्चित् घ्राणु अन्नतापलद्रिकर्म शक्तिर्बहवो शपत्न इव गृहपति लुनती। जीवैकतोच्युत विकर्षति मा वितिप्ता शिष्णो अन्नतस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणु अन्नतापलद्रिकर्म शक्तिर्बहवो शपत्न इव गृहपति नुरंति। जीवैकतोच्युत विकर्षति मा वितिप्ता शिष्ण अन्नतःस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित् घ्राणु अन्नतःश्चपलद्रिकर्म शक्तिर्बहवो शपत्न इव गृहपति लुनन्ति। गौरी गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, बद्ध जीवों का इच्छा आशा जब भगवान का इच्छा का साथ एकदम एकाकार हो जाता है तब बद्ध जीव सुखी होता है, प्रसन्न होता है। गौरी गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जब बद्ध जीवों का इच्छा आशा आकांक्षा भगवान का इच्छा आशा का साथ एकाकार हो जाता है तब बद्ध जीव का हृदय में प्रसन्नता पैदा होता है, तब बद्ध जीव खुशी हो जाता, प्रसन्न हो जाता। उसका पहले बद्ध जीवों का प्रसन्नता होने का कोई रास्ता नहीं है। बद्ध जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब बद्ध जीवों को भगवान फ्री विल स्वतंत्र इच्छा दिया गया। जीव चैतन्य स्वरूप है और चेतना रहने से चेतना का फ्री विल रहना ये स्वाभाविक है। जब कोई चेतन वस्तु है इसका अंदर में फ्री विल स्वतंत्र इच्छा ज्ञान ये स्वाभाविक है। हो सके कि बड़ा क्षुद्र मात्रा में हो सके कि बड़े क्षुद्र मात्रा में है लेकिन फिर भी रहेगा। ये बड़ा आश्चर्य चीज है। भगवान बद्ध जीवों का जो स्वतंत्र भाव है इसका ऊपर भगवान हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। भगवान का इच्छा नहीं कि जीवों का जो फ्री विल मैंने दिया है इसका ऊपर जोर जबरदस्ती करके मेरा भक्ति कराने के लिए
इसको मजबूर कर दे, ऐसा इच्छा भगवान का नहीं है। भगवान चाहता ही नहीं कि किसी का ऊपर जोर जबरदस्ती करे, लेकिन इतना भगवान करके रखा है, जितना सारे शास्त्र विचार, इसका बाद साधु संतों का उपदेश, सारे जगत में भगवान अपना इच्छा से ये सब व्यवस्था रखा है। जैसे बद्धजीव का पास खबर चले कि मैं कौन हूँ, मेरा भजन करने से क्या मिलेगा, मेरा भजन नहीं करने से क्या हो सकता, ये सारी जानकारी भगवान शास्त्रों का रूप में, गुरु वैष्णव का रूप में, तमाम शास्त्रों में लिख दिया, व्यवस्था किया। जीव जीवात्मा विभु चैतन्य परमेश्वर का क्षुद्र इन्फिनाइट इज स्मॉल पार्ट, चित कण, चित पार्टिकल। समुद्र का अंदर में जैसे जल है, समुद्र मतलब पानी है, तो समुद्र का पानी का जो प्रॉपर्टी है, समुद्र से एक बिंदु पानी को उठाओ, समुद्र से एक बूंद पानी को उठाओ, उसका क्वालिटी और समुद्र का पानी का क्वालिटी एक जैसा ही होना स्वाभाविक है। विभु चैतन्य श्री भगवान परम स्वतंत्र वस्तु है। विभु चैतन्य भगवान परम स्वतंत्र वस्तु है, सराट वस्तु है, और अनुचैतन्य क्षुद्रातिक्षुद्र जीव चित पार्टिकल, जीवों में भी सामान्य रूप में स्वतंत्रता मौजूद है। जैसे विभु चैतन्य भगवान में परम स्वतंत्रता है, क्षुद्र जीवात्मा का अंदर में स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन बहुत सामान्य रूप में। जीव कोई किसी का द्वारा क्रिएटेड नहीं है, अगर किसी का द्वारा उत्पादित है, अगर किसी के द्वारा उत्पादित है ऐसा कंसेप्शन आए तो नित्य वस्तु कैसे माना जाए। इसका मतलब है जब भी भगवान गीता में बता दी ममैव अंशो जीव लोक जीवभूतो सनातन, जब भी भगवान गीता में ऐसा बता दी ममैव अंशो जीव लोक जीवभूतो सनातन, ठीक है, लेकिन फिर भी जीव नित्य वस्तु है, अनंत जीव, अनंत जीव नित्य है, जीव जड़ वस्तु न है, जीवों का फ्री विल पावर है, जीव चेतन वस्तु। और भगवान ने खुद व्यवस्था रखा है कि चेतन जीव स्वाभाविक रूप में अपना स्वतंत्रता का सही स्वतंत्र का सही व्यवहार करके अनुभव करे कि मैं ही सब कुछ हूँ। चेतन जीवों का सत्ता में स्वतंत्रता इस स्वाभाविक रूप में है। जीव अगर स्वतंत्र का, जीव अगर अपना फ्री विल, जीव अगर अपना फ्री विल का मिसयूज किया तो इसका बंधन स्वाभाविक है। जीव अगर ये स्वतंत्रता का मिसयूज किया तो इसको खुद भोगना पड़ेगा। भगवान किसी का स्वतंत्र का ऊपर हस्तक्षेप नहीं करता है, तिनी चेतन धर्मों का ऊपर जोर जबरदस्ती अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आरोप नहीं करना चाहता है। भगवान दया के सागर है,
प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान दया की सागर है, तिनी भगवान चेतन जीव को चेतन वृत्ति का सद्व्यवहार और असद्व्यवहार कैसे होता है, इसमें क्या होता है, सारे शास्त्रों का रूप में या गुरु वैष्णव का प्रवचन के रूप में, उपदेश का रूप में साले ऐलान कर दिया, प्रकाश कर दिया। जो जीवात्मा, जो व्यक्ति ये सब भगवत उपदेश या संत महात्मा का उपदेश, शास्त्रों का वाणी श्रवण करके भगवत भजन करने के लिए आगे बढ़ता है, ये स्वतंत्र का सद्व्यवहार करने के लिए इसका मंगल हो जाता है। माया क्या वस्तु है, लाजवाब। माया क्या वस्तु है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद इस बारे में बताया, जो नहीं है उसी को लगता है वो है। जो वस्तु जो नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल नहीं है उसी का ऊपर भरोसा दिलाता है, दिलाती है माया देवी। जैसे संसार संबंध, ये कुछ नहीं है, मेरा साथ, एक घरवार, परिवार, बच्चा, रुपया पैसा, मुकन बाड़ी, किसी का साथ मेरा कोई संबंध कभी भी नहीं था, नहीं होगा और नहीं हो सकता। फिर भी माया का ऐसा प्रभाव है, अपना बन के बैठा हुआ है, फॉल्स ईगो है, वृथा अभिमान है, मैं मेरा करके पूरा जिंदगी गंवा रहे। मियाते अनयाति माया, जो चीज़ जो नहीं है इसका दर्शन, इसका अनुभव, इसका नाम माया। जहाँ बिल्कुल आनंद बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, लेकिन उसी में जीव उलझ जाता है। जहाँ आनंद बोल के कुछ नहीं है, भगवान ने गीता में पूरा बता दिया, जदग्रे अमृतपमम परिणाम विषमेव। पहले बड़ा आनंद से उछाल पड़ेगा, इतना आनंद है, आनंद की मानो की आनंद की बार आ गया, लेकिन बाद में पता चलेगा महाराज ये आनंद नहीं है, ये निरानंद है, ये बिल्कुल आनंद नहीं है, मैं सोचा कि आनंद है, हाय राम, ये आनंद बिल्कुल नहीं है। इसलिए उस दिन बताया था, दो तीन दिन पहले, जानीषा सर्वभूतानां तस्म जागृति संयमी जस्म जागृति भूतानी सानीषा पश्यतो मुने। जो सब जड़ जगत का, विषय में समाज का आदमी बड़ा होशियार रहता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हर वक्त होशियार रहता है, लेकिन ये पारमार्थिक आत्मा का मंगल का बारे में पूरा उदासीन है, इसमें ध्यान नहीं देते। जबकि गुरु वैष्णव हर वक्त अपना चिरंतन मंगल का विषय में लगे रहते हैं, और समाज संसार का जो आनंद है, विषय का जो आनंद है, इसमें उदासीन रहते हैं। मियोते अनया इति माया, माया शब्दों का और दूसरा व्याख्या प्रभुपाद जी ने किया है, जहाँ नापने का विचार है, हम नाप लेंगे कितना बड़ा, कितना चौड़ा, फलाना कितना क्या है, हैं कैसे क्या होता है, सब ये जो नापने वाला जो विचार है, मेपे नवा बंगाली में बोलता है, मेपे नवा विचार, हम विचार करके समझ लेंगे, ये माया है।
माया जो नहीं है, जो नहीं है बिल्कुल झूठा है, उसी को सच्चा साबित करके, उसी को सच्चा साबित करके रखेगा, इसका नाम है माया। नश्वर अनित्यो, नश्वर नाशवान अनित्यो, जितना सारे वस्तु है चाहे दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े फर्क नहीं पड़ता, तमाम माया का वस्तु है। और एक विचार आता है, जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ जहाँ भगवान का चिंता नहीं है, जहाँ भगवान का विचार नहीं बनता, जहाँ भगवान का बारे में कुछ नहीं है कनेक्शन, वो माया है। आई बात समझ में? रावण ने सोने का लंका बनाया, ये रावण के लिए माया है, क्योंकि वो भगवान का साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता है। सोने का लंका बनाया महाराज, इसका नाम है माया। भगवान का साथ संबंधित, भगवान का साथ संबंधित वस्तु, ये माया नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जहाँ कृष्णो तहाँ नहीं माया रुधिकार। जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण का चिंतन है, जहाँ कृष्ण का नाम है, कृष्ण का धाम है, कृष्ण का भक्तलोक है, वहाँ माया नहीं है। जो भगवान का साथ संबंध नहीं है, जिस वस्तुओं का, जिस चीज़ों का, उसका नाम है माया। भगवान माया का अधीश्वर है और भक्त लोग माया का अधीन है। माया का अधीन है सब जीवात्मा, और भगवान सराट वस्तु है, भगवान सराट वस्तु है, भगवान किसी का द्वारा वशीभूत नहीं है, सभीज्ञ सराट। जो श्लोक दे के शुरुआत किया, बड़ा अनोखा श्लोक है, प्रहलाद महाराज जी ने नरसिंह भगवान का पास अपना दुख भरे नाले सुनाए। श्री प्रहलाद महाराज जी श्री नृसिंहदेव भगवान के सामने अपना दुख भरे नाले सुनाए। ऐसे तो शिक्षा के लिए, ऐसे तो हम लोगों को शिक्षा के लिए बताए। प्रहलाद महाराज क्या क्या समस्या है? कुछ नहीं समस्या उसे। प्रहलाद महाराज ने नृसिंहदेव को रोते हुए बोला, हे ठाकुर जी, हमारा जीवा एक जगह खींच रहा है हमको, हम रोक नहीं पाते। मद्य मांस खाने का इच्छा पैदा होता, मैं भागता हूँ। जीव भाई को तो अच्छे तो विकर्षित मामा, जीवा मेरा एक तरफ खींच रहा है अच्छा बुरा खाने के लिए, मेरा अंदर में सेटिस्फेक्शन संतुष्टि बोलकर कुछ चीज़ नहीं बचा, मेरा अंदर में संतुष्टि बोल के कुछ नीच है ही नहीं। जब जीवा इधर खींच रहा है हे अच्युतो, और मेरा गुदा एक जगह खींच रहा है लिंग शिष्ण अन्न तरह, तब हमारा त्वचा ठंडा गरम या नरम रनम ये अनुभव करने के लिए तरसता है। शिष्ण अन्न तरह स्तग उदरम श्रवणम कुतस्य, उदर पेट भर के खाने के लिए मजा लेने के लिए इच्छा होता है, इच्छा होती है, और मेरा सवनंदीय दूसरा जगह खींच रहा है जड़ जगत का भला बुरा सुनने के लिए मन करता है। जड़ जगत का जो भला बुरा है
सुनने के लिए मन करता है। ये एक तरफ खींच रहा है, जीवा एक तरफ खींच रहा है, सिष्णो लिंगो इस तरफ खींच रहा है, और त्वक हमारा त्वचा उधर पेट भरपेट खाने के लिए अभी अच्छा बुरा, श्रवण इंद्रियो दूसरा जगह खींचता है, मेरा घ्राण इंद्रियो दूसरा एक जगह खींच रहा है, घ्राण अन्नतःश्चपल दृग हमारा चक्षु जड़ जगत का विषय देखने के लिए बड़ा व्यस्त होता है, घ्राण एक जगह खींच रहा है, दूसरा जगह खींच रहा है मेरा चंचल आँखें, मेरा चंचल आँखें इधर उधर मेरे को भगा रहा है, क्वाच कर्म शक्तिर बहुबो कर्मेंद्रियो सकल विभिन्न अलग अलग से कर्मों का करने के लिए मेरे को खींच रहा है, ऐसा कर अच्छा होगा, ऐसा कर अच्छा होगा, इसलिए बोला घ्राणु अन्न तह चपल कौच कर्म शक्तिर। और ऐसा माँ भी खींचते खींचते जैसे एक आदमी का बहु पत्नी, जैसे एक आदमी का दो चार दस पत्नी है, ऐसा भी होता था, हुआ करता था पहले। प्रहलाद महाराज जी ने बताया जैसे एक आदमी का बहुत सारे पत्नी हैं, मतलब पांच दस, और सारे पत्नी पति देवता, पति देवता को अपना ओर खींचते रहते हैं, सारे अपना ओर खींचते हैं, ये स्वाभाविक है। इससे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। घ्राण अन्न तह चपल कौच कर्म शक्तिर, जैसे एक आदमी का बहु पत्नी और अपना सपत्नियों में, सपत्नियों का अंदर लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक है। जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति को गृहपति लुणंती, चारों ओर से खींच के उसका मार, उसका मरने का हालत पैदा कर देता। जीव भई कत अच्युत विकर्षति ही मा वितिप्ता सृष्ण अन्नतःस्तक उदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राण अन्नतःश्चपल कौच कर्म शक्तिर बहवो सपत्न इव गृहपति लुणंती। चारों ओर से खिंचावट महसूस होता है, जिए तो जिए कैसे जिए, असंभव है, जीना संभव नहीं। प्रकृति क्रियमानानि गुणोई कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भागवत जी महापुराण ने बताया सपने अनर्थागम यथा, जैसे सपने में, सपने में अनर्थ आ गया, हमको मारने के लिए कोई आ रहा है चाकू लेकर, मेरा पत्नी को उठा के ले गया, मेरा घरवार लूट, मेरा घर का, मेरा घरवार लूट गया, ये जो जो सपने में आता है ये तो सपना है, सच्चा तो है नहीं, लेकिन सपना होने से भी सच्चा लगता है। सपना जब भी ये सपना है, लेकिन जब सपना देखे तो लगता है ये सच्चा है। ऐसा ही ये दृश्यमान जगत जो है नाशवान है, नाशवान है, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। सपने में अनर्थ कैसे आता है बड़ा आश्चर्य है। शायद हर आदमी अपना सपने में जो देखा है उस बारे में कुछ जानकारी जरूर हुआ होगा। जैसे
एक मठ में गौरी मठ में दो ब्रह्मचारी सोया हुआ है, जारे का मरसूम है, सोया हुआ है, एक ताकत का ऊपर, एक ताकत का ऊपर सोया हुआ है, एक ताकत का नीचे। और रात में सपने में आया जे एक चोर आया सपने में देख रहा है, और एक सपने में देख रहा है भूत, एक सपने में ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है भूत, नीचे वाला दिख रहा है चोर, और ऊपर वाला जो है ब्रह्मचारी है वो सोए हुए देख रहा है कि भूत आ गया। अरे राम राम, भूत आ गया तो भागने के लिए तो सोया हुआ है, भागे तो भागे कहाँ भागे। उन्होंने पटक से नीचे गिरा, चंचल हुआ तो पटक से नीचे पटक गया, गिर गया तो गिरा ब्रह्मचारी का ऊपर गिरा। अब ब्रह्मचारी ने उसको जोर जबरदस्ती पकड़ा, चोर 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 मैंने पकड़ा, चोर आओ। बस ऊपर का आदमी देख रहा है भूत, नीचे का ब्रह्मचारी देख रहा है चोर। ऐसा ही है ये चैतन्य गौरी मठ का एक कहानी है, जो ब्रह्मचारी का बात बताने का दरकार नहीं है नाम बड़ा हंसी का मसला है। एक दफे पुरुषोत्तम धाम पुरी में परम आराध्य शील भक्ति देव तो माधव गोस्वामी महाराज जी का मठ में, ये माधव गोस्वामी जाने का बाद बहुत बाद, एक रसोईया रसोई करता है, गंगाराम उसका नाम है, वो कटक में उसका घर है, और रसोई करने के ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण का जो आचार नियम है थोड़ा बहुत पालन तो करता होगा, नहीं तो कैसे उसको रसोई करने का व्यवस्था दिया। तो ये रसोई करके उत्सव हो गया, 7-10 दिन हो गया, उसका बाद वो घर जाने का तैयारी में है। जितना पैसा मिला, कपड़ा मिला, गामछा मिला, साफ़ी सब मिला ना, जो जो कुछ डोनेशन दिया सब इकट्ठा करके रखा है, घर में रखा है। और उसका बाद रात को सोया है, सुबह का ट्रेन पकड़ कर जाना है कटक। और इतने में रात को 12-1 बजे सपना दिख रहा है और चिल्ला रहा है, मैं तो लूट गया बोल के चिल्ला रहा है। बाद में सारे आजू बाजू का आदमी का नींद खोल गया, आया क्या हुआ गंगारा, मैं मेरा सब ले गया, मेरा कुछ नहीं है, इतना कष्ट कर कौन ले गया है, उठ क्या ले गया। वो उठा है, अरे सपने देख रहा था क्या, हाँ सब लूट गया, कहाँ लूटा है, देख तेरा सब पड़ा हुआ है सामान। सपने अनर्थागमो यथा, सपने में जैसे अनर्थ का आगमन होता है, ऐसे ही जीव का जो संसार का बंधन है, संसार को ही सच्चा मन के बैठा हुआ है, ये सब ऐसा ही। संसार झूठा नहीं है, संसार अनित्य है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी ने रो रो कर नरसिंह भगवान को बताया, ठाकुर जी हम क्या करें, मेरा तमाम सेंस ऑर्गन इंद्रियों ग्राम इधर उधर खींच रहा है, जैसे एक स्वामी का बहुत सारे पत्नी अगर है तो ये खींचेगी चारों ओर से, चारों ओर से अगर खिंचावट आए तो आदमी को जीना हराम हो जाता। काल ये श्लोक का चर्चा करते हुए यहाँ तक चर्चा, 2 दिन से चर्चा हो रहा है, वाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदरपस्थ बेगम एतानो बेगानो जो विष है तो धीरा सर्वाम अपीमं पृथ्वीं सशिष्यात्। ये चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, कल यहाँ तक चर्चा हो गया
कि अगर कोई भगवान का कथा कीर्तन करते रहे इसमें कोई हर्जा नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, ये वाक्य वेग का अंदर नहीं आता है। भगवान का कथा कीर्तन, भगवान का प्रसंग, भगवान का भक्तों का प्रसंग, भगवान का धाम का प्रसंग, ये जो है ये वाक्य वेग का, वाक्य वेग वाचो वेगम जो है इसका अंदर में नहीं नहीं गिनती किया जाएगा। भगवान का सेवा का अनुकूल जो वाक्य है इसको वाक्य वेग नहीं बोला जाए, ये वाक्य है। कृष्ण भजने जहा हो अनुकूल, विषय बोलिया त्यागे ता हो भूल, बांग्ला में है। पोपा जी ने बताया कृष्ण भजने जहा हो अनुकूल, विषय बोलिया तहा त्यागे हो भूल। जो कृष्ण भजन का साथ जोड़ा हुआ है, जो कृष्ण भजन के साथ संबंधित है, इसको फेंकना उचित नहीं। बद्धजीव क्या त्याग करे, क्या भोग करे, कि त्याग भी बद्धजीव का है नहीं, क्या त्याग करे, त्याग क्या करे, अपना कुछ है, अपना कुछ है जो त्याग करेगा। तो त्याग तो उसी को बोला जाता है जो हमारा पास है उसको हम दे रहे हैं, त्याग कर रहा हूँ। जब अपना शरीर अपना नहीं है, जब अपना मन अपना नहीं है, घरवार अपना नहीं है, पैसा रुकिया पैसा कुछ नहीं है, तो किसको त्याग करे। तो त्याग का प्रसंग तो गया, तो ये त्याग करने का जो बहाना है ये गया। त्याग क्या करे, त्याग करने के लिए अपना कुछ वस्तु चाहिए तो, लेकिन अपना कुछ है ही नहीं, अपना शरीर भी अपना नहीं, तो त्याग क्या करें। तो कृष्ण सेवाय जहाँ होय अनुकूल, विषय बोलिया त्यागे तहा होय भूल। जो कृष्ण सेवा का अनुकूल विधान करता है, जो वस्तु व व्यक्ति कृष्ण सेवा का अनुकूल है उसको प्रतिकूल दर्शन करना यह उचित नहीं। चुक्त वैराग्य का हिसाब जो है ये है, कृष्ण भजने जहा हो अनुकूल, विषय बोलिया तहा त्यागे हो भूल, त्याग करना उचित नहीं। इसलिए भगवान का कथा कीर्तन करे तो इसमें वाक्योवेग स्वाभाविक रूप में कंट्रोलिंग हो जाता है, वाक्योवेग, क्योंकि ये वाक्योवेग का अंदर नहीं आता है, वाक्योवेग का कंट्रोलिंग का अंदर में आता है भगवान का कथा कीर्तन। जीव बद्ध जीव, ये जो वेगत्रय वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम, ये सब जो वेग है, ये तमाम वेग, वेग मतलब पेशार अत्याचार, इसीलिए वेग, ये सब जो वेग है, ये जो वेगत्रय, वेगत्रय का हस्तों में पतित होकर जीव मंगल का बदले में अमंगल को वरण करता है। वेगोत्रय का हस्त में, वेगोत्रय का हाथों में पतित होकर बद्धजीव अमंगल ही अमंगल कर बैठता है। वाच वेगम मनसः वेगम अश्वरीर वेग, ये तीनों जो है शरीर वेग, ये वेगोत्रय का हस्तों में गिरकर जीवो अमंगल का ओर भागता है। इसीलिए ये वेग सहन करना जीवों के लिए जरूरी है। ये सारे वेगों को वशीभूत करने का बाद तमाम मंगल का रास्ता खुलता है। जो व्यक्ति ये सब वेग वेगोत्रय सहन करके वशीभूत करके बैठा हुआ है,
ये पृथ्वी को जय कर सकता है। कोई लोभ लालस नहीं है, कोई लोभ लालची नहीं है, लोभ लालसा कुछ नहीं है। बाकोबेक का अंदर में आता है निर्विशेषवादी का प्रवचन, प्रवचन वचन, प्रवचन बोलने से प्रकृष्ट वचन हरिकथा हो जाएगा। तो बोलने का एक पक्का तरीका होता है। जब बाकोबेक का अंदर में निर्विशेषवादी का जो शास्त्रीय कल्पना कर्मकांडी में जोड़ा हुआ व्यक्ति का जो हिसाब किताब, कर्मफल का जो हिसाब किताब और कर्मफल का कर्मकांडों का विषय में जो जोड़ा हुआ है, उसका कर्मफल का शास्त्र युक्ति किसने तरो विषय, कृष्ण को छोड़कर किसने तरो, जो कृष्ण सेवा में नहीं लगता है, किसने तरो अन्नविलास, ये सब जो है बाक्का बोली सब इसका अंदर में आता है। और एक बात काल चर्चा हुआ था, अव्यक्त बाचोबे जो उच्चार जो मानो उच्चार जो उच्चारण नहीं किया, उच्चारण नहीं किया कोई वाक्य तो बाचोबे तो हमने दमन किया, बोल नहीं नहीं दमन कर पाया, उच्चारण नहीं किया, उच्चारण नहीं किया ठीक है, लेकिन उच्चारण नहीं करने से ये नहीं माना जाएगा। उच्चारण नहीं किया आपने कोई शब्दों को, आपने मौन रख, आपने मौन रखा तो आपने उच्चारण नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाचोबेक को दमन कर लिया, ये नहीं। क्योंकि हमारा गुरुवर्गों का विचार प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर जी का, ऐसा भी तो हो सकता है बाहर में मौन है अंदर में बातें चल रहा है। एक उदाहरण दे दे, एक ब्रह्मचारी लो, ध्यान से सुने, एक ब्रह्मचारी बड़ा एकांत में रहना पसंद करता है। एक ब्रह्मचारी एकांत में रहना पसंद करता है, न जाने क्यों, लेकिन हमारा गौड़ीय मठ का जो हिसाब किताब है ना, जो विचार है ना, इसमें तमाम दुनिया पागल हो जाएगा। यहाँ तक विचार आज तक कोई स्वर्ग का, आज तक कोई स्वर्ग का देवता लोग भी नहीं किया, जो विचार प्रभुपाद ने दिखाया। जो भी है, एक ब्रह्मचारी एकांत में रहना पसंद करता है, क्यों वो ही जाने, लेकिन हमारा गौड़ीय मठ में एकांत रहने का जो विचार बताया प्रभुपाद जी ने, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, सकाले भजन निजन संभव। लेकिन ये ब्रह्मचारी एकांत रहता है। प्रभुपाद जी ने नाट्य मंदिर में आया है, श्रील प्रभुपाद जी ने नाट्य मंदिर में आया, बहुत सारे भक्तों का साथ बातें कर रहा है, और इतने में प्रभुपाद जो एकांत में रहना पसंद करता है, वो ब्रह्मचारी का ओर उंगली उठाकर कह रहा है,